मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कितनी खुशी है आपको? देखिए, ये पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है, और ये सत्य की जीत हुई है। आज एक ऐसे वक्त में जब पार्टी बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है, एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा, और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पर रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था, तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे वन से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा, आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं, इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार है सब लोग बाहर आएंगे, सत्य में उजड़ते हैं।